बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, हाज़र व नाज़र, साहिब जलाल व करम, यक्ता व मेहरबान, बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे खुबानी के फ़ायदे के मतलब। खुबानी के अंदर तकरीबन तमाम ज़रूरी विटामिन, मिनरल और फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त ज़्यादा करते हैं और आपको क्रोनिक अमराज से बचने में मदद करते हैं, और इसके अलावा पेचीदा अमराज के खिलाफ जिस्म के अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप करते हैं। इसके अलावा खुबानी के अंदर ज़ियाज़ेंथन, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन जैसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो आपकी नज़र को तेज़ करते हैं, आँखों की बीमारियों से बचाते हैं, आपका विजन क्लियर करते हैं और आँखों के पट्टों को गुज़ा पहुँचाने में भी मदद करते हैं। खुबानी के अंदर ऐसे गजाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को जल्द झुरियाँ आने से रोकते हैं, जल्द को तंदरुस्त रखते हैं, जल्द को साफ़ करने में मदद करते हैं और इसके अलावा स्किन को सन बर्निंग से भी बचाते हैं। खुबानी दिल के हवाले से भी बेहतरीन है, ये हार्ट अटैक से बचने में मदद करती है, लेकिन कब, जब खून में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो और एलडीएल की मकदार ज़्यादा हो, यानी आपका खून गाढ़ा हो, तब ये आपको दिल के हवाले से मदद करेगी, खून को पतला कर देगी और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। खुबानी मिजाज के लिहाज से गर्म तर होती है और इसकी जो मकदार खुराक है वो एक वक्त में आप 100 से 250 ग्राम तक खा सकते हैं। खुबानी नज़र को तेज़ करती है, इसके अलावा दिमाग को ताकत देती है। खुबानी मैदा और आंतों पर मलयन असरात रखती है, आंतों में मौजूद तमाम रद्दी मवाद को ये जिस्म से खारिज कर देती है और कब्ज़ के लिहाज से नहायत ही बेहतरीन इसका असर है। खुबानी के मतलब एक बात याद रखें, चूँकि ये गर्म तर होती है लिहाजा जिन लोगों को गर्मी के मौसम में घबराहट होती है या वो पीले जरकान का शिकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या पेशाब जल के आता है, वो खुबानी का इस्तेमाल ना करें। खुबानी के मतलब डिटेल से वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये थी जी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन खुबानी के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।